अनअकैडमी स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है कंप्लीट लिमिटेशन एक्ट इन वन क्लास फॉर जो किसी भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जहां लिमिटेशन एक्ट आता है। हम सारा का सारा लिमिटेशन एक्ट इस क्लास में समझेंगे। जो टारगेट है हमारा एग्जाम टारगेट वो है आपका जुडिशरी एंड अदर लॉ रिलेटेड एग्जाम। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात जानना चाहूंगा, हाउ इज द जोस माय डियर टुडे? यस, हाउ इज द जोस? शैल वी स्टार्ट आवर सेशन? एक बार कमेंट में बता दिए जोस कैसे है आप सबका। हाउ इज द जोस? यस, एक बार कमेंट करके बता दीजिए हाउ इज जोश भाई, कैसा है आप सबका जोश? हाई है जोश? स्टक क्यों है भाई? चलिए भाई, देखिए हम कर रहे हैं कंप्लीट लिमिटेशन एक्ट एक सिंगल क्लास के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। स्पेशल सेशन है बेसिकली। देखिए जब भी हम लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं तो ये जो एक्ट है 1963 का एक्ट है, ठीक है, 1963 का एक्ट है आपका लिमिटेशन एक्ट। दो एक्ट है आपके पास, एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी 1963 का। दिस इज ए एक्ट ऑफ 1963 का 36th एक्ट है लिमिटेशन एक्ट। देखिए लिमिटेशन एक्ट बेसिकली जो है दिस इज नॉट ए सब्सटेंटिव लॉ, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोसीजरल लॉ, जिसको आप एक कह सकते हैं दिस इज ए प्रोसीजरल लॉ। और ये अपने आप में एक एब्सोल्यूट लॉ की कैटेगरी में फॉल करता है। जब भी आप इसका प्रीएम्बल पढ़ेंगे वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ ऑफ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स एंड फॉर द पर्पस कनेक्टेड देयरविद। इससे पहले 1908 का लिमिटेशन एक्ट था, उसके बाद ये हमारा 1963 का लिमिटेशन एक्ट आया है। जब भी हम बात करेंगे पूरा का पूरा, इसको हम लेक्स फोरी बोलते हैं, लॉ ऑफ द लैंड इसको बोला जाता है। लिमिटेशन एक्ट प्रोहिबिट करता है रेमेडीज को, राइट को प्रोहिबिट नहीं करता, बट इसका एक एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 27। दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन। और जब हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो है, चैप्टर्स जो है, इसमें 5 है और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 32 है, लेकिन लास्ट वाला सेक्शन और 28 सेक्शन कुछ रिपील किए गए सेक्शंस है, ठीक है। चलिए देखिए मैं पार्ट वन से स्टार्ट कर रहा हूँ, सेक्शन नंबर वन से। आपको क्या क्या पढ़ना है, प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सारी चीजें डिस्कस करता चलूंगा, बस सुनते रहिएगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। सेक्शन वन की जब हम बात करते हैं तो क्लियर है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की ये बात करता है। ये कहता है कि मेरा नाम क्या होगा, लिमिटेशन एक्ट होगा और मैं कंप्लीट इंडिया के ऊपर अप्लाई हो रहा हूं। और इंडिया के ऊपर क्यों अप्लाई हो रहा है, बिकॉज ऑफ जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पास किया है हमारी गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से अब जो लिमिटेशन एक्ट है पूरे होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो रहा है। कब एनफोर्समेंट में आया था, ये कई बार प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे लिमिटेशन एक्ट कब एनफोर्समेंट में आया था, क्योंकि दिस इज अ रिविजनल क्लास, कंप्लीट लिमिटेशन एक्ट कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए। लिमिटेशन एक्ट आपका आया था कमेंसमेंट में 1 जनवरी 1964 को आया था। 1963 का एक्ट है लेकिन जो कमेंसमेंट में आया था वो 1 जनवरी 1964 को आया था। इसके बाद जब आप बात करते हैं डेफिनेशन क्लॉज की, सेक्शन नंबर 2 जब हमारा आता है, सेक्शन नंबर 2 में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। और डेफिनेशन जब भी आप पढ़ते हैं, एक होता है डेफिनेशन, एक होता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। डेफिनेशन इन पर्टिकुलर उसी एक्ट से रिलेटेड होती है, बट इंटरप्रिटेशन क्लॉज आप इन जनरली उनका मीनिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे जब भी डेफिनेशन होती है दे आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, ये कि ऐसे ही डिफाइन नहीं करना, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे डेफिनेशन क्लॉज उसके सामने लिखा होता है इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। ये जो वर्ड लिखा होता है अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, ये स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन देता है, स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन कि भाई सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा इंटरप्रेट किया जा सकता है, वर्ड्स को थोड़ा सा मोल्ड किया जा सकता है। आप देखेंगे 2A के अंदर जो डेफिनेशन दी है एप्लीकेंट की, एप्लीकेंट की इन्होंने कोई डेफिनेशन नहीं दी, इन्होंने ये नहीं कहा कि एप्लीकेंट कौन होता है, इन्होंने सिर्फ ये बताया कौन कौन इंक्लूड होता है एप्लीकेंट के अंदर। ये प्रीलिम्स में कई बार आ जाता है कि 2A में एप्लीकेंट की डेफिनेशन दी है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड। देखिए पेटिशनर होगा कोई भी पर्सन जो एक राइट डिराइव कर रहा है उस पर्सन के थ्रू, वो भी हो सकता है। और यहाँ पे 4-5 लोग हैं, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे के सारे हो सकते हैं। सर एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा स्लो पढ़ाए प्लीज। बेटा लिमिटेशन एक्ट की रिविजनल क्लास है, स्लो पढ़ाऊंगा तो कैसे हो पाएगा, स्लो पढ़ने के लिए आपको मेरी प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है 2B। देखिए 2B की जब हम बात करते हैं तो ये एप्लीकेशन कहता है, ये प्री में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, एप्लीकेशन की कोई डेफिनेशन नहीं दी इन्होंने, इन्होंने कहा एप्लीकेशन के अंदर आपकी जो पेटिशंस होती हैं वो भी इंक्लूडेड हम मान के चलेंगे, एप्लीकेशन के अंदर पेटिशंस भी आपके इंक्लूडेड रहेंगे। उसके बाद 2C जो कह रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज जो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ते हो, यहाँ पे प्री में कई बार क्वेश्चन आता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ह्यूंडी क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ह्यूंडी एंड चेक इंक्लूडेड रहेंगे। ह्यूंडी क्या होता है, बेसिकली जो पुराना टाइम था हमारा, जो आप कह सकते हैं एक मेडिवल इंडिया का जो टाइम था, उस टाइम पे जो एक ह्यूंडी थी वो एक बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का काम करती थी, अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट,
ठीक है, वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था, पैसों की लेन देन के लिए काम लाया जाता था ह्यूंडई को, ठीक है, दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन मेडिवल इंडिया। आज के टाइम पे नहीं है इसका यूज, बट पहले लोग ह्यूंडई का यूज करते थे, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसको बोला जाता है। और उसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे टू नंबर डी, डी से डिफेंडेंट है, एज सेम है जैसा आपने एप्लीकेंट पढ़ा वैसे ही डिफेंडेंट है, यहाँ पे भी इंक्लूड वर्ड यूज किया गया, सारी चीजें सेम है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो आता है ईजमेंट का। ईजमेंट समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 2F के अंदर जो ईजमेंट बताया गया है, ईजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए ईजमेंट बेसिकली क्या होता है, जो इंडियन ईजमेंट एक्ट है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करता है, लेकिन यहाँ पे जब हम डेफिनेशन देखते हैं लिमिटेशन एक्ट की 2F के अंदर, यहाँ पे ईजमेंट को क्या कहा गया, इन्होंने कहा है कि ईजमेंट राइट होगा लेकिन वो राइट आपको कॉन्ट्रैक्ट से ना मिले, एक ऐसा राइट जो आपको कॉन्ट्रैक्ट से नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल इजमेंट्री राइट क्या होता है, देखिए इजमेंट क्या होता है बेसिकली, जब एक आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए किसी और की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो, सुखाचार जिसको बोलते हैं, ठीक है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट से नहीं मिलना चाहिए आपको, ठीक है, आप अपनी प्रॉपर्टी के एक बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर आप एक ऑब्लिगेशन कास्ट कर रहे हैं, एक लाइबिलिटी कास्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए पर्सन, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए बी पर्सन, इफ ए is using the property of B for the beneficial enjoyment of his own property, अगर ये अपनी property A को अच्छे से use करने के लिए B की property को थोड़ा बहुत use कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह park कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये जो property है B वाली property, this is a servient heritage, this is a servient heritage, और ये जो property ये होती dominant heritage, dominant heritage, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप ऑब्लिगेशन कास्ट करते हैं वो होती है हमेशा सर्वियंट हेरिटेज, एंड जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऑब्लिगेशन कास्ट किया जाता है वो होती है डोमिनेंट हेरिटेज। कहने का मतलब क्या, ईजमेंट क्या होगा, जब आप अपनी प्रॉपर्टी के मोर बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए किसी और की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं ईजमेंट। इसके ऊपर बहुत अच्छा कंसेप्ट है पूरा का पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट, जो सेक्शन नंबर 25-26 हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा कंसेप्ट वहां पे हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद 2G जो कहता है नहीं पढ़ना, फॉरेन कंट्री कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2H आपको जरूर पढ़ना है। 2H कहता है गुड फेथ क्या होगा, गुड फेथ का सेक्शन आप लोग पढ़ते हैं आईपीसी में, आईपीसी में भी डिफाइन किया गया गुड फेथ क्या होता है। गुड फेथ, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड फेथ कहाँ पे डिफाइन किया गया आईपीसी में, मुझे सेक्शन बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए दोनों साइड से, आप लोग भी बताएंगे मैं भी बताऊंगा, गुड फेथ कहाँ पे डिफाइन किया गया आईपीसी में, कौन से सेक्शन में किया गया, और टू सम एक्सटेंट सिमिलर है, यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 2H में जब हम बात करते हैं गुड फेथ की, तो इन्होंने कहा नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, इन्होंने एक नेगेटिव डेफिनेशन दी है कि गुड फेथ क्या होगा, जिस चीज को आप प्रॉपर ड्यू एंड केयर एंड अटेंशन के साथ नहीं कर रहे वो गुड फेथ नहीं माना जाएगा, नेगेटिवली डिफाइन किया गया। और सेक्शन नंबर 52 ऑफ द इंडियन पिनल कोड पॉजिटिवली डिफाइन करने का काम करता है। इसके बाद जो डेफिनेशन आती है वो होती है 2E के अंदर। 2E कहता है प्लेंटिफ क्या होगा, सेम जो आपने एप्लीकेंट पढ़ा वही प्लेंटिफ की यहाँ पे एक थोड़ा सा इन्होंने परिभाषा नहीं दी, इन्होंने ये नहीं कहा प्लेंटिफ का मतलब क्या, इन्होंने प्लेंटिफ के अंदर इंक्लूडेड कौन कौन पर्सन होगा। प्लीज एक काम कर दीजिएगा, वीडियो को साथ के साथ लाइक कर दीजिएगा, 94 स्टूडेंट लाइव हैं अभी, साथ के साथ में लाइक जरूर कर दीजिएगा क्लास को, ठीक है, क्योंकि पूरी लंबी चलने वाली, पूरा लिमिटेशन हम कंप्लीट करने वाले हैं, और आई होप कि काफी बेनिफिशियल रहने वाला है आप लोगों के लिए। ये सारा कुछ हो जाने के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, काफी बार मेंस में भी आ जाता है, 2J काफी बार मेंस में आता है। 2J दो चीजों के बारे में बताता है, एक बताता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में, पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में, ठीक है, दूसरा ये क्या बताता है, ये बताता है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बारे में। दोनों की डेफिनेशन आप कहेंगे तो दोनों की इसी में दी गई है, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड क्या होता है, पीपी क्या होता है। देखिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप कॉम्पिटिशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन करते हैं तो ये दोनों कंसेप्ट समझने बहुत जरूरी होते हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड क्या होता है, जो कि 2J यहां पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। देखिए जब भी आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात करते हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपके जो लास्ट में शेड्यूल दिया गया है लिमिटेशन का, जहां पे लिखा गया है कि भाई अपील एप्लीकेशन सूट्स के लिए इतना टाइम पीरियड होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल आपको करना है तो उसका कितना टाइम पीरियड है, जो शेड्यूल ने बताया गया वो होगा आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो लास्ट में स्पेसिफाई किया गया आपके बेरेक्ट का लास्ट देखेंगे जहां पे शेड्यूल और आर्टिकल्स हैं उसमें दिया होगा कि इस सूट के लिए इतना टाइम पीरियड होगा, अपील के लिए इतना होगा, एप्लीकेशन के लिए इतना होगा, दैट इज योर पीरियड ऑफ लिमिटेशन। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि सर प्रिस्क्राइब पीरियड क्या होगा, बेटा प्रिस्क्राइब पीरियड वर्ड एक टाइम पीरियड होता है जिसको आप कंप्यूट करते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जो आप सेक्शन नंबर 12 से लेकर 24 तक एक कंप्यूटेशन जहां दिया हुआ है कंप्यूट किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से जो आप टाइम पीरियड कंप्यूट करेंगे उसको हम बोलेंगे प्रिस्क्राइब पीरियड।
आई होप दोनों चीजें क्लियर हो गई कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड क्या है। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर आपको सूट फाइल करना होता है और पीरियड ऑफ लिमिटेशन को आपको एक मेजरली उसको मान के चलना होता है। 3 साल का टाइम पीरियड पीरियड ऑफ लिमिटेशन है तो उसका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन है। जैसे कि भाई कितने दिन में आपको जजमेंट की कॉपी मिली, कितना टाइम पीरियड एक्सक्लूड करेंगे, क्या टाइम पीरियड इंक्लूड करेंगे, क्या आप उस टाइम पे लीगल डिसेबिलिटी के अंदर थे, के माइनर था, पागल हो रखे थे, क्या चीजें थी, वो सारी चीजें प्रिस्क्राइब्ड पीरियड की कैटेगरी में फॉल कर जाती है। इसके बाद आती है 2K डेफिनेशन जो प्रोमिसरी नोट के बारे में बात करता है। प्रोमिसरी नोट ऐसे आपको नहीं पढ़ना होता, एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है तो इट इज नॉट रेलेवेंट अंडर सेक्शन 2K, हमें नहीं पढ़ना प्रोमिसरी नोट। उसके बाद सूट, सूट की डेफिनेशन कई बार प्रीलिम्स में पूछी गई, खासकर एमपी जैसे एग्जाम में होते हैं, एमपी छत्तीसगढ़ जो आप यहां पे पढ़ेंगे 2J के अंदर, 2L के अंदर, सॉरी L 2L के अंदर, जो है सूट के अंदर आपकी अपील और एप्लीकेशंस नहीं आती। यहां पे क्लियर कर दिया कि अपील एंड एप्लीकेशन आर नॉट द पार्ट ऑफ सूट, नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे टॉट 2M, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है टॉट को डिफाइन किया गया, आप लोग पढ़ते थे ना जब आपने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था, आप पढ़ते थे सर टॉट क्या, टॉट इज ए सिविल रॉन्ग, तो यहां पे भी वही कहा गया टॉट इज ए सिविल रॉन्ग व्हिच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लास्ट में ट्रस्टी की डेफिनेशन दी गई है 2N के अंदर, इसका एक ही सेक्शन है लिमिटेशन एक्ट में जो ट्रस्ट से डील करता है, वो कौन सा सेक्शन आप लोग कमेंट करके बताएं, कोई रुकेगा नहीं, कमेंट करके बताते रहो मुझे। ट्रस्टी की डेफिनेशन दी गई है सिर्फ एक सेक्शन को कवर अप करने के लिए। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट जो सेक्शन 1 और 2 हमने पढ़ा, शॉर्ट टाइटल डेफिनेशन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है आपका पार्ट नंबर 2 सेक्शन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बार ऑफ लिमिटेशन। बार ऑफ लिमिटेशन की जब भी आप बात करते हैं ये जो है यहां से प्री में भी क्वेश्चन आता है प्लस मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। बार ऑफ लिमिटेशन जो है प्री और मेंस दोनों में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जब भी बार ऑफ लिमिटेशन की बात की जाएगी क्लियर कहता है कि सेक्शन नंबर 3 जो है वो एक इंडिपेंडेंट सेक्शन नहीं है, दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 4 to 24 इंक्लूसिवली। सेक्शन 3 इंडिपेंडेंट नहीं है, ये प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, क्या सेक्शन 3 इंडिपेंडेंटली काम करता है, नहीं, सेक्शन 3 कभी भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता, क्योंकि आप इनिशियल वर्ड देखेंगे यहां पे लिखा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 4 to 24, दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय सेक्शन नंबर 4 to 24, वो सब्जेक्ट टू कहा गया है कि मीनिंग देयर बाय दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट सेक्शन, ये अपने आप में काम नहीं कर सकता है, इसको सेक्शन 4 और 24 को ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे कहता है कोई भी सूट, अगर कोई भी सूट है, कोई भी अपील है, कोई भी एप्लीकेशन है, आप एक प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद अगर फाइल करेंगे तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है। तो यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या वहां पे इस चीज को प्लीड करना जरूरी है कि सर द सूट इज बार्ड बाय द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, नहीं प्लीड करना जरूरी नहीं है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू डिसमिस यूर सूट, to dismiss your appeal, to dismiss your application, अगर आपने एक prescribed period के बाद उसको file किया है, this is the duty of the court, this is not the duty of the party to plead the same, लिखा हुआ है, although limitation has not been set up as a defense। जब इसके बाद subsection 2 की बात करते हैं, तो ये कहता है, सिर्फ और सिर्फ इस act के purpose के लिए, जो suit है, कब instituted मान लिया जाएगा। पहला कहता है, ordinary case के अंदर, जब plaint आप present कर देते हो एक proper officer को, हम मान लेंगे कि suit आपका institute हो गया है, ordinary case के अंदर, और प्लेंट प्रेजेंट होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफ प्लेंट के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, सिर्फ और सिर्फ आप कोर्ट को भी प्रेजेंट कर रहे हैं, एक प्रॉपर ऑफिसर जो होती है, फाइलिंग ब्रांच जो होती है, वहां पे आप एक ऑर्डिनरी सूट की अगर प्लेंट प्रेजेंट कर रहे हैं तो मान लिया जाएगा आपका सूट इंस्टीट्यूटेड हो गया, एक्सेप्टेंस इज नॉट मेंशन हियर। सेकेंड कहता है इन केस ऑफ ए पॉपर, पॉपर के बारे में जो इंडिजेंट पर्सन होता है, सीपीसी का कौन सा ऑर्डर है आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आगे इसको डिस्कस कर रहा हूं। देखिए अगर एक पॉपर नामक व्यक्ति जो इंडिजेंट पर्सन है वो सूट इंस्टीट्यूट करना चाह रहा है, तो उसका सूट कब से इंस्टीट्यूट मान लिया जाएगा। ये कहता है भाई जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई फॉर लीव टू सू एज ए पॉपर पर्सन, उस दिन से हम आपका सूट इंस्टीट्यूटेड मान लेंगे। एग्जैक्टली जब आप ऑर्डर नंबर 33 बात करते हैं सीपीसी की, वो साफ कहता है कि सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, और यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट कहता है कि इंडिजेंट पर्सन अगर सूट फाइल कर रहा है तो वो एप्लीकेशन फाइल करता है पहले कि मुझे अलाउ किया जाए इस सूट को एज एन इंडिजेंट पर्सन प्रोसीड करने के लिए। कह रहा उसका सूट कब से इंस्टीट्यूट माना जाएगा, बोला जिस दिन से उसने एप्लीकेशन फाइल की उस दिन से हम उसका सूट इंस्टीट्यूटेड मान लेंगे। थर्ड कहता है कि भाई जहां एक सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा है अगेंस्ट दी कंपनीज, कंपनी के अगेंस्ट जब आप क्लेम प्रेफर कर रहे हो और जहां पे आप अगेंस्ट दी कंपनी सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो, तो वो सूट कब से इंस्टीट्यूट माना जाएगा। आप देखेंगे यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर वो कंपनी वाउंड अप की जा रही है तब, जब क्लेमेंट पहली बारी अपना क्लेम सेंड करेगा ऑफिशियल लिक्विडेटर को,
और जब भी देखिए कंपनी को वाइंड अप किया जाता है तो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं, और जब फर्स्ट टाइम अगर क्लेमेंट अपना क्लेम सेंड करे उस दिन से हम मान लेंगे कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया है। 97 बच्चे आ गए क्लास में, 3 बच्चे और आ जाएंगे, 100 लाइव हो जाएंगे हमारी यूट्यूब क्लास में, 99 स्टूडेंट्स। प्लीज सारे के सारे लाइक कर दीजिए, एक टाइप से थम्सअप कर दीजिए अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है। अभी तो बहुत लंबी चलने वाली, पूरा लिमिटेशन कराऊंगा, गारंटेड बात है। एक टाइप से सारे बच्चे लाइक कर दीजिए, 99 स्टूडेंट एक दो को और पकड़ लाएंगे, 100 बच्चे लाइव हो जाएंगे क्लास में। ओके 99 शो कर रहा है मुझे, तो भाई आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक और कर दो जल्दी से लाइक कर दीजिए फटाक से। 101 स्टूडेंट हो गए, वाओ दैट्स ग्रेट, चलिए बड़ा मजा आ रहा है। ओके नेक्स्ट जो है सेक्शन नंबर 3 का, जो सबसेक्शन 2 का बी पार्ट कहता है, वो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की बात कर रहा है। कह रहा है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को हम हमेशा ही सेपरेट सूट के तौर पे ट्रीट करके चलेंगे। जैसे आप सीपीसी में भी पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पे कहा गया कि सेपरेट सूट के तौर पे इनको ट्रीट करते हुए चला जाएगा। कह रहे सेट ऑफ के केस में कब से मान लिया जाएगा, कह रहा है सेम डेट से जिस दिन आपने सेट ऑफ को प्लीट किया है। सेकेंड कहता है काउंटर क्लेम, कह रहा है जिस दिन On the date on which counter claim is made in the court, जिस दिन आपने court में counter claim made किया, उस दिन से हम मान लेंगे कि वो एक separate suit के तौर पे treat किया जाएगा, as a separate suit, ठीक है? और जो C point है, C point बड़ा अच्छा है कि ये notice of motion में बच्चे confuse हो जाते हैं कि सर ये notice of motion का क्या concept होता है? Notice of motion का क्या concept होता है? An application by notice of motion in high court is made when the application is presented to the proper officer of the court. देखिए, notice of motion क्या होती है basically? जब आप किसी दूसरी पार्टी को अवेयर करते हैं कि भाई आपके अगेंस्ट ये केस है, सबसे पहला काम क्या होता है हाईकोर्ट में, जब भी आप कोई रिट फाइल करते हैं या कोई भी आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं हाईकोर्ट में, तो नोटिस करवाना होता है, दैट इज योर नोटिस ऑफ मोशन। अब नोटिस ऑफ मोशन क्या होगा, जिस दिन एप्लीकेशन आपने प्रेजेंट कर दी प्रॉपर ऑफिसर के पास, मान लिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन वहां पे फाइल होगी, इन्फॉर्म करना पार्टीज को। दिस इज योर सेक्शन नंबर 3, पहले कह रहा हूं सेक्शन 3 प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 4 की, सेक्शन 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी बार प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन 4 कहता है एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। देखिए यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड पीरियड की एक्सपायरी की बात हो रही है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात नहीं हो रही है। और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे सेक्शन नंबर 12 से लेकर 24 तक। देखिए सेक्शन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भाई अगर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड आपका एक्सपायर हो रहा है, कब हो रहा है, जिस दिन कोर्ट बंद है, तब क्या किया जाएगा। यह यहां पे सिंपल सी बात कहता है कि जब कोर्ट ओपन होगी तब कर दीजिए। यहां पे एक मैक्सिम बड़ी अच्छी है, एक्टस क्यूरी नेमिनम ग्रेविटा, एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल नॉट प्रेजुडाइज एनी पार्टी। ये मैक्सिम है, ये भी प्रीलिम्स में पूछी जाती है। और दूसरा एक और मैक्सिम है यहां पे, लेक्स नॉन कॉगेंट एक्ट इंपॉसिबिलिया, द लॉ डज नॉट कन्फर अ मैन टू डू डेट व्हिच ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म। दो मैक्सिम्स हैं यहां पे जो इस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं और ये सेक्शन उनसे कनेक्टेड है जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछी जाती है। तो यहाँ पे क्लियर कह दिया गया है कि भाई जिस दिन आप सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं या जिस दिन आप अपील फाइल कर रहे हैं या एप्लीकेशन प्रेफर कर रहे हैं और उस दिन छुट्टी है, कोर्ट बंद है, तो आप एक काम कीजिए, जब भी कोर्ट रीओपन होगी उसी दिन कर दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी है, कह रहा है जो कोर्ट है ना फॉर द टाइम बिंग भी अगर क्लोज होगी नॉर्मल वर्किंग आवर्स के अंदर भी, तो ये मान लिया जाएगा डीम्ड टू बी रिमेन्स क्लोज फॉर द होल डे, उस दिन ये मान के चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कोर्ट में गया फाइल करने और कोर्ट उस टाइम पे वर्किंग आवर्स में बंद थी, तो ये मान लीजिएगा कोर्ट उस दिन सारा दिन बंद थी, मैं नेक्स्ट डे जब भी रीओपन होगी उस दिन कर दूंगा। इसके अंदर हॉलीडेज वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है आपके सेक्शन नंबर 4 के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन नंबर 5 की, सेकेंड मैक्सिमम बेटा लेक्स नॉन कॉगिट एट इम्पॉसिबिलिया, लेक्स नॉन कॉगिट एट इम्पॉसिबिलिया। फर्स्ट मैक्सिम थी एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रेविटा, ठीक है। लो मैक्सिम मैं लिख रहा हूं, क्योंकि प्री में आती है, लीजिए लिखिए, मैं लिख रहा हूं स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूं। देखिए फर्स्ट मैक्सिम है एक्टस क्यूरिया CURIAEA क्यूरिया नेमिनम NEMI NEM नेमिनम ग्रेविट GRAVABIT ग्रेविट, ठीक है। इसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल नॉट प्रिजुडाइज एनी पार्टी। दूसरी मैक्सिम जो है वो है आपकी लेक्स नॉन कॉगिट एट इम्पॉसिबिलिया IMPOSSIBILIA इम्पॉसिबिलिया। इसका मतलब होता है द लॉ डज नॉट कन्फर अ मैन और द लॉ डज नॉट कंपेल अ मैन टू डू डेट विच ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म। लो आपको कंपेल नहीं कर सकता, जो आप नेचुरली नहीं कर पा रहे, जब कोर्ट बंद है तो कैसे फाइल करो। दिस इज बिकॉज द एक्ट इज इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ, वी आर नॉट एबल टू डू दिस सेम, तो लो आपको कंपेल नहीं कर रहा कि करिए ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन नंबर 5 की, सेक्शन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री प्लस मेन्स, दोनों में ही आता है, प्री प्लस मेन्स में आता है।
जिसको आप कंटिन्यूएशन ऑफ डिले के नाम से जानते हैं। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, सेक्शन नंबर 5 जो है सूट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। सूट्स की अगर आपको कंटिन्यूएशन ऑफ डिले करवाना है तो कौन सा प्रोविजन यूज करेंगे सीपीसी का, आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं सेक्शन नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। देखिए सेक्शन 5 कहता है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, नॉट पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सटेंड नहीं करेगा कभी भी, ये सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड को एक्सटेंड करेगा इन सर्टन केसेस, कुछ ही केसेस के अंदर सेक्शन 5 की एप्लीकेशन है, दिस इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जब भी आप कंटिन्यूएशन ऑफ सूट के डिले की बात करेंगे तो आप सीपीसी में जाएंगे और सीपीसी के ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 6 में आप बात करेंगे। सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है सूट्स के कंटिन्यूएशन ऑफ डिले पे। सेक्शन नंबर 5 सिर्फ और सिर्फ अपील एंड एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है, और एप्लीकेशन भी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पे नहीं अप्लाई होता है, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं होता है। अपील एंड एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। क्या कहता है भाई, अगर आपका एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड जो है, हमने जो कैलकुलेट किया सेक्शन नंबर 12 से लेके 24 को अप्लाई करके, अगर उस प्रिस्क्राइब्ड पीरियड वो एक्सपायर हो जाता है, क्या हम आपको एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड अलाउड कर सकते हैं? सेक्शन 5 कहता है यस, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, इट इज नॉट द राइट ऑफ द पार्टीज टू क्लेम कंटिन्यूएशन ऑफ डिले, दिस इज अप टू द कोर्ट टू ग्रांट द एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड और नॉट टू ग्रांट द एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। यहां पे दो तीन बातें हैं कि आपको सफिशियंट कॉज देना पड़ेगा, ठीक है, सफिशिएंट कॉज देना पड़ेगा, कोर्ट कंसीडर करती है और कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट कॉज है तो आपका जो कंटिन्यूएशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन उसको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी है इसकी, एक्सप्लेनेशन कहती है कि भाई एक ऐसा फैक्ट कि एपिलांट और एप्लीकेंट अगर किसी ऑर्डर की वजह से मिसलीड हो गए हैं, या कोई ऐसी प्रैक्टिस चल रही है हाई कोर्ट में, या कोई ऐसी जजमेंट थी हाई कोर्ट की जिसकी वजह से वो मिसलीड हो गए और एक जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड्स को प्रॉपरली कंप्यूट नहीं कर पाए, तो भी हम उसको एक सफिशिएंट कॉज की कैटेगरी में मान के चलेंगे। सफिशिएंट कॉज क्या क्या हो सकता है इसके ऊपर बड़ा लीडिंग केस है, एन बाला कृष्णा वर्सेज एम कृष्णा मूर्ति का केस है 1998 का, उस केस में बताया गया कि सफिशिएंट कॉज क्या होंगे और सफिशिएंट कॉज क्या नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं, देखिए इलनेस हो गया, ठीक है, आपका डिटेंशन इन प्रिजन हो गया, मिस्टेक ऑफ ऑर्डर हो गया, या कुछ अदर चीजें, वो सफिशिएंट कॉज की कैटेगरी में आते हैं और ये आपसे मेंस में पूछा जाएगा व्हाट आर सफिशिएंट कॉज एज पर सेक्शन नंबर 5। तो आप रेफर कीजिएगा, जजमेंट है आपकी एन बालाकृष्णा वर्सेज एम कृष्णा मूर्ति की, और आपके एक जजमेंट है तारामती वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा की, दो जजमेंट्स है जिनके अंदर बहुत अच्छे से बताया गया था कि सफिशिएंट कॉज क्या होता है। तो आई थिंक सेक्शन नंबर 5 बड़ा क्लियर है, कंटिन्यूएशन ऑफ डिले की बात करता है, सूट्स एंड एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस पे ये अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ एप्लीकेशन और अपील्स पे अप्लाई होता है और किया जा सकता है इफ देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स, ठीक है। आप बता दीजिए क्यों नहीं फाइल कर पाए टाइम पे। केस का नाम भाई, पहला केस है एन बालाकृष्णा वर्सेज एम कृष्णामूर्ति 1998 का केस है, दूसरा केस है आपका तारामती वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, ये दो केस है जिनके अंदर सफिशिएंट कॉज की लिस्ट आपको मिल जाएगी, गॉट इट। पहला केस एन बालाकृष्णा वर्सेस एम कृष्णामूर्ति, दूसरा केस है आपका तारामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो नेक्स्ट सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 6, 7, 8 एंड सेक्शन 9 को भी मैं इनके साथ कई बार जोड़ देता हूं। तो ये क्लस्टर ऑफ सेक्शन है, क्लस्टर ऑफ सेक्शन के रूप में ही आपसे मेंस में पूछा जाएगा। तो यहां पे सेक्शन नंबर 6 जो है आपका, सेक्शन 6 भी प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्री प्लस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए सेक्शन 6 एक सिंपल सी बात कहता है कि भाई लीगल डिसेबिलिटी क्या होगी, सेक्शन 7 सेवरल पर्संस की डिसेबिलिटी की बात करता है और सेक्शन 8 इनकी एक्सेप्शन की बात करता है। देखिए सेक्शन नंबर 6 क्या कह रहा है, लीगल डिसेबिलिटी क्या होगी, पहला क्वेश्चन तो यहीं से प्रीलिम्स में पूछा जाता है और फिर मेंस में भी काफी सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं आप लोगों से। देखिए लीगल डिसेबिलिटी सिर्फ तीन चीजों को यहां पे माना गया है, माइनर, इनसेन और इडियट। माइनर समझ में आता है 18 साल से नीचे है, इनसेन और इडियट में क्या डिफरेंस होता है एक बार कमेंट में करके बताइएगा मुझे, इनसेन और इडियट में क्या डिफरेंस होता है। इनसेन और इडियट दो वर्ड है, दोनों ही बड़े अलग है, इनसेन क्या होता है और इडियट क्या होता है, इनसेन क्या होता है, पहले इनसेन के बारे में बताएं, इनसेन क्या होता है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं इनसेन क्या होता है और इडियट क्या होता है, आप लोगों का होमवर्क है। इनमें से एक ऐसा वर्ड है जो आपको मतलब आप जैसे बाई बर्थ होता है ना, वो व्यक्ति वो जन्म से ही वैसा होता है, अब वो बाई बर्थ क्या होता है, ओके ओके, इनसेन क्या होता है, इनसेन बेटा बाई बर्थ होता है, इंसेनिटी जन्म से इंसान के पास आती है, आइडियोसी जो होती है, इडियट होता है वो आपका किसी भी इंस्टांस किसी सर्कमस्टांस की वजह से इंसान जो होता है पागल हो जाता है, वो होती है इडियट होना। इंसेनिटी बाई बर्थ आपको मिलती है, ठीक है। कई बार आपने देखा कुछ बच्चे होते हैं जो बाई बर्थ ही मतलब अबनॉर्मल होते हैं, दे आर इनसेन, दे आर नॉट इडियट, इडियट एट लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो तीन प्रकार की इंसेनिटी यहां पे बात की गई लीगल डिसेबिलिटी की, माइनर, इनसेन एंड इडियट। अब ये कह रहा है वेरी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट ए सूट, मेक एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री, दो चीजों पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है।
या तो सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो या आप एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो। बेसिकली सेक्शन नंबर 6 जो है इनिशियल डिसेबिलिटी की बात कर रहा है कि मेरे पास एक राइट है, मेरे पास एक कॉज ऑफ एक्शन है सूट इंस्टीट्यूट करने का, बट उस टाइम मैं लीगल डिसेबिलिटी के अंदर हूं, तो क्या करूं मैं, मर जाऊं जाके? नहीं, मरना नहीं है। सेक्शन 6 आपका वहां पे आएगा, सेक्शन 6 आपकी हेल्प करेगा कि आपका जो टाइम पीरियड लगा है वो सीज कर दिया जाएगा। आपकी डिसेबिलिटी जब तक रहेगी वो टाइम पीरियड आपका हम उसमें से निकाल देंगे, काट देंगे उसको, कि भाई तुम माइनॉरिटी में थे, तुम लीगल डिसेबिलिटी में थे, तो तुम्हारा टाइम पीरियड तुम्हारे अगेंस्ट हमने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया, वो सारा का सारा आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग योर प्रिस्क्राइब पीरियड। ठीक है, सबसेक्शन 2 कहता है कि भाई एक व्यक्ति लीगल डिसेबिलिटी में, दिस इज इनिशियल डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के अंदर है, ठीक है, पहली डिसेबिलिटी है, पहली डिसेबिलिटी चल रही है, दूसरी डिसेबिलिटी आ गई, पहली वाली खत्म नहीं हुई, दूसरी डिसेबिलिटी ओवरलैप कर गई, तो कह रहा है जब दोनों डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी तब कर देना भाई सूट इंस्टीट्यूट, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा भाई उस व्यक्ति की जो डिसेबिलिटी थी ना वो जब तक जीवित रहा तब तक चली, मर गया बेचारा डिसेबिलिटी के अंदर, कह रहा जब मर गया ना उसके बाद उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कर देंगे फाइल आगे सूट, कोई दिक्कत नहीं होती टाइम पीरियड में। लेकिन सबसेक्शन 4 कहता है कि भाई अगर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी लीगल डिसेबिलिटी के अंदर है तो बोला फिर वही प्रोसेस अडॉप्ट कर लो, जब तक लीगल डिसेबिलिटी के अंदर जब तक हम टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं करेंगे उसके बाद हम कर लेंगे। और सबसेक्शन 5 बड़ा अल्टीमेट है, यहां से काफी बार मेंस में क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है सिचुएशन बेस्ड। सबसेक्शन 5 देखिए क्या कहता है, वेयर ए पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर डिसेबिलिटी सीज, मीनिंग देयर बाय एक ये व्यक्ति है डिसेबिलिटी के अंदर है, यहां पे डिसेबिलिटी खत्म हो जाती है, यहां पे गैप देखे, यहां पे मर जाता है ये व्यक्ति, जो यहां पे इसने गैप दिया यहां से टाइम पीरियड चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि भाई मर गया डिसेबिलिटी सीज होने के बाद मर गया है, ठीक है, डिसेबिलिटी सीज होने के बाद अगर वो व्यक्ति मर गया है तो अब जितना टाइम बच गया है उतने टाइम पीरियड के अंदर ही उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करेंगे। और यहाँ पे माइनर की जो डेफिनेशन दी गई है, जो एक पेट में बच्चा होता है जिसको एवेंट्री सा मिरर बोलते हैं, देखिए जो वर्ड लिखा हो ना माइनर इंक्लूड्स ए चाइल्ड इन द वॉम, इसको बोलते हैं एनवेंट्री, ENVNTRE, एनवेंट्री सा मीरा, इन्वेंट्री सा मीरा मतलब चाइल्ड इन वॉम, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री सा मीरा। ये कई बार पूछ ली जाएगी लैटिन मैक्सिम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 7 कहता है, सेक्शन नंबर 7 सेवरल पर्सन की डिसेबिलिटी के बारे में बात करता है। ये कह रहा है भाई बोली डिस्चार्ज दे सकते हो तो आप सूट इंस्टीट्यूट कर दीजिए, सबके खिलाफ टाइम पीरियड चलने लग जाएगा। और कह रहा है कोई भी नहीं हो पा रहा है तो मत करो जब तक आप लीगल डिसेबिलिटी में नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये कह रहा है। और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहता है कि भाई यहां पे सारी प्रकार की लायबिलिटीज है हमने इंक्लूड की है, अगर इमोवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है वो भी यहां पे हमारी फॉल कर जाएगी। हाँ, डिस्चार्ज विदाउट कंकरेंस की बात कर रहा है आपका सेक्शन नंबर 7, अगर आप दे पा रहे हो बिना सहमति लिए और लोगों को वैलिडली डिस्चार्ज कर पा रहे तो टाइम पीरियड चलना लग जाएगा, नहीं कर पा रहे टाइम पीरियड नहीं चलेगा। अब बात करते हैं, देखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कह रही है कि जॉइंट हिंदू फैमिली जहां होती है वहां पे जो कर्ता साहब होते हैं जो मैनेजमेंट में होते हैं वो सबके भैया पे वैलिड डिस्चार्ज दे सकते हैं विदाउट टेकिंग देयर कंकरेंस, उनकी सहमति लिए बिना भी वो वैलिड डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब सुनिएगा सेक्शन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, सेक्शन नंबर 8 को समझिएगा क्या कह रहा है। देखिए सेक्शन नंबर 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार बच्चों को समझ में नहीं आता सेक्शन 8। सेक्शन 8 स्पेशल एक्सेप्शंस की बात करता है, ये कहता है जो सेक्शन 6 और 7 में आप लोगों ने पढ़ा है, नथिंग इन सेक्शन 6 और नथिंग इन सेक्शन नंबर 7, यहां पे अब जो मैं कर रहा हूं वो मेरी बात सुनिएगा। ये कह रहा है पहली बात, सेक्शन 6 और 7 सूट्स टू एनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्प्शन पे अप्लाई नहीं होते, राइट टू एनफोर्स सूट फॉर प्रीएम्प्शन पे अप्लाई नहीं होते, प्रीएम्प्टरी सूट जो होते हैं ना आपका नेबर वाला राइट होता है, नेबरहुड वाला राइट होता है, उस पर अप्लाई नहीं होते। दूसरा कहता है कि भाई जो आप बात कर रहे हो कि कोई व्यक्ति लीगल डिसेबिलिटी के अंदर है तो उसके अगेंस्ट वो टाइम पीरियड रुका रहेगा, जब भी लीगल डिसेबिलिटी से बाहर आएगा वो जो टाइम पीरियड होगा उतने टाइम पीरियड में फाइल कर देगा। कह रहे मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना अलाउ करना है, कह रहे भाई अगर किसी व्यक्ति का टाइम पीरियड 3 साल है तो 3 साल में कर देगा, 3 साल से कम है 1 साल बच गया उसको तो उसको 2 साल और दे दो, टोटल 3 ईयर मैक्सिमम टाइम पीरियड 3 ईयर मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास टाइम पीरियड बचा हुआ उससे ज्यादा तो उतने में कर लेना, मैक्सिमम 3 ईयर की यहां पे इन्होंने लिमिट इंपोज कर दी है, मैक्सिमम 3 ईयर की लिमिट इंपोज कर दी है। बेटा प्रीएम्प्टरी सूट क्या होता है, जैसे पड़ोसी का घर, अगर पड़ोसी घर बेचना चाह रहा है तो पहले राइट आपका बनता है, नेबरहुड का राइट होता है प्रीएम्प्टरी सूट का। तो यहां पे जो एक लिमिट लगा दी है मोर देन 3 ईयर से ज्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, यहां पे एक सीधी सी याद रखना 3 साल से कम है तो 3 साल कर देंगे टाइम पीरियड, 3 साल से ज्यादा है तो उतना ही हम टाइम पीरियड छोड़ देंगे। दिस इज योर सेक्शन नंबर 8, ये पूरा का पूरा मेंस में आता है 6, 7, 8। अब सेक्शन नंबर 9 जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम,
डॉक्ट्राइन ऑफ कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम और सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी की बात कहता है सेक्शन नंबर 9। ये कहता है अगर एक बार टाइम पीरियड चलना स्टार्ट हो गया, वंस टाइम हैज बिगन टू रन, कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी या इनेबिलिटी फिर आपके टाइम पीरियड को रोक नहीं सकती है, वो टाइम पीरियड आपका चला जाएगा। सेक्शन 9 सिंपल सी बात कहता है कि एक बार टाइम पीरियड चलना स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 साल का है, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन आज राइज हो गया और टाइम पीरियड अब चलना स्टार्ट हो गया, मैं डिसेबिलिटी के अंडर नहीं हूं लेकिन मैं 1 साल के बाद डिसेबिलिटी के अंडर आ जाता हूं तो क्या टाइम पीरियड रुकेगा? कहता नहीं, फिर टाइम पीरियड नहीं रुकने वाला है, टाइम पीरियड कंटिन्यू चलता रहेगा। बेटा ये रिविजनल क्लास है, अगर आपको इन डिटेल में पढ़ना है लिमिटेशन आप मेरी प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या उन बच्चों के लिए जो एक बार डिटेल में कर चुके उनको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया तो चलता रहेगा, नहीं रुकेगा, कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी नहीं रोक सकती है। और फिर प्रोवाइडेड कहता है, प्रोवाइडेड एक्सेप्शन कहता है कि भाई लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्रेडिटर की एस्टेट का उस व्यक्ति के पास जो डेटर है उसको हमने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर रखा है, तो वहां पे जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो सस्पेंड हो जाएगा, तब नहीं चलेगा। दिस इज एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। एक्सेप्शन है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वहां पे टाइम पीरियड सस्पेंड हो जाएगा। फिर सेक्शन नंबर 10 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 10 एक ऐसा सेक्शन है जो पूरे के पूरे लिमिटेशन एक्ट में बात करता है कि यहां पे कोई भी लिमिटेशन एक्ट नहीं लगेगा, कोई लिमिटेशन का बार ही नहीं है सेक्शन 10 के अंदर, क्लियर कर दिया गया, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कोई बार नहीं है, ट्रस्ट के खिलाफ आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, जो लिखा शैल बी बार्ड, शैल नॉट बी बार्ड बाई एनी लेंथ ऑफ टाइम। अब आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिस्कस दिस पर्टिकुलर वर्ड एज सूट शैल नॉट बी बार्ड बाई एनी लेंथ ऑफ टाइम, तो वो ट्रस्ट वाले सूट होंगे, सूट अगेंस्ट ट्रस्टी, जिसको आपने अपनी प्रॉपर्टी दे दी है एंड वो उस प्रॉपर्टी के अंदर एम्बेजलमेंट कर रहा है, तो वहां पे कोई टाइम पीरियड आपको रोक नहीं सकता उसके अगेंस्ट सूट फाइल करने के लिए, आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो। और सेक्शन 11 जो है कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है जो आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ विच एक्ट, ये जो लिमिटेशन एक्ट जहां जहां अप्लाई होता है उसके बाहर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वहां पे सेक्शन 11 अप्लाई होता है। और सेक्शन 11 कहता है कि भाई इंडिया का जो लिमिटेशन एक्ट है वो अप्लाई होगा, ना कि दूसरी कंट्री का लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, ये एक सिंपल सी बात कहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें ली गई है, जम्मू एंड कश्मीर तो हमारे इंडिया का ही पार्ट बन गया, बेसिकली सिर्फ फॉरेन कंट्री के ऊपर अप्लाई होता है। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स लॉकी आप समझते हैं, जो लेक्स लॉकी आप लोग पढ़ते हैं वो डॉक्ट्रिन यहाँ पे अप्लाई हो जाती है, लॉ ऑफ द लोकेशन जहां पे कॉन्ट्रैक्ट आपका बना है वो अप्लाई होगा, ठीक है, लेक्स फॉरम और लेक्स लॉकी का जो कंसेप्ट आपका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 बात करता है कॉम्पिटिशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पार्ट नंबर 3। यहां से मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सिचुएशन बेस्ड, जहां आप सेक्शन नंबर 12 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 12 बात करते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स की, लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करने की बात करता है। पहला देखेंगे तो ये कहता है भाई जब भी आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है उसको कंप्यूट करेंगे किसी भी सूट, किसी भी अपील या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, तो जो फर्स्ट डे होगा ना, पहला दिन जो होगा वो हमेशा एक्सक्लूड किया जाएगा। जनरल रूल है, हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन से आप कैलकुलेट कर रहे हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन वही वाला दिन आप एक्सक्लूड कर देंगे। सबसेक्शन 2 कहता है भाई अपील और एप्लीकेशन के केस में क्या होगा, कह रहे जो टाइम पीरियड आपको लग रहा है कॉपी ऑब्टेन करने में उतना टाइम पीरियड आप एक्सक्लूड कर देंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैलकुलेट करने में। सबसेक्शन 3 कहता है कोई डिक्री है या कोई ऑर्डर है उसकी आप अपील करना चाहते हैं या रिविजन करवाना चाहते हैं या रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी एक आ गया टाइम रिक्विजिट, जो एक टाइम लग रहा है आपको कॉपी ऑब्टेन करने में वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट करने में, एक्चुअल टाइम टेकन जो होता है टाइम रिक्विजिट, बिल्कुल सही कह रहे हो एडवोकेट आकाश शर्मा। एंड सबसेक्शन 4 जो कहता है वो सीधी सी बात कहता है, अगर आप एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट करना चाहते हैं किन केसेस में, जहां आपने एक एप्लीकेशन फाइल की एक आर्बिट्रल अवार्ड को सेटिसाइड करवाने के लिए, तो कह रहा है उसकी कॉपी लेने में जितना टाइम पीरियड किया है लगा है उसको एक्सक्लूड कर दीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जब भी आप कंप्यूट करेंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन और जो टाइम रिक्विजिट की जो बात की गई है, टाइम रिक्विजिट कब से माना जाएगा, जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल की है और जिस दिन वो कॉपी बनके तैयार हुई है वही टाइम पीरियड आप एक्सक्लूड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन ही फाइल नहीं की, कोर्ट ने जो टाइम पीरियड ले लिया वो भी एक्सक्लूड होगा, वो एक्सक्लूड नहीं होगा। ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लियरली देखें, इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिग्री और एन ऑर्डर एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिग्री और ऑर्डर बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर ए कॉपी, जब तक आप एप्लीकेशन नहीं लगाओगे उससे पहले जितना भी टाइम लेगी कोर्ट वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन लगाने के बाद जो टाइम पीरियड लिया कोर्ट ने वही टाइम पीरियड आपका एक्सक्लूड किया जाएगा आपके पीरियड ऑफ लिमिटेशन में से। दिस इज योर सेक्शन नंबर 12। ये मेंस में भी आता है, प्रीलिम्स में भी आता है। बस सेक्शन 13 प्री के लिए है कि भाई अगर जो एक व्यक्ति जो पॉपर है,
ठीक है, वो परमिशन लेके सूट फाइल करना चाह रहा है तो उसमें कौन सा टाइम पीरियड हम एक्सक्लूड करेंगे। देखिए, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू सू और अपील एज ए पॉपर इज अप्लाइड, ये सिंपल सी बात कहता है कि भाई आप वो वाला टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दीजिए जो गुड फेथ में जब वो एप्लीकेशन को प्रोसिक्यूट कर रहा था, अपनी एप्लीकेशन को डील कर रहा था और उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो वो वाला टाइम पीरियड आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 13, गुड फेथ में आप एप्लीकेशन कंटेस्ट कर रहे थे लेकिन आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो वो वाला टाइम पीरियड आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। व्हेन एप्लीकेशन रिजेक्टेड, उतना टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा क्योंकि आप गुड फेथ में कंटेस्ट कर रहे थे अपनी एप्लीकेशन। और अगर आपकी एप्लीकेशन अलाउ होगी तो आपका सूट उसी दिन से इंस्टीट्यूट मान लिया जाएगा, जैसे हमने सेक्शन 3 में पढ़ा ना अभी, जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल की उसी दिन से सूट इंस्टीट्यूटेड मान लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है एप्लीकेशन मेड एंड रिजेक्टेड वो वाला टाइम पीरियड आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग योर पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सेक्शन 14 बड़ा अच्छा है। सेक्शन 14 कहता है कि भाई आप बोनाफाइडली किसी एक कोर्ट में आप प्रोसीडिंग कर रहे थे जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, तो कह रहा है भाई जितने टाइम तक आपने गुड फेथ में उस कोर्ट में प्रोसीडिंग की है वो सारा टाइम पीरियड हम आपका एक्सक्लूड कर दें व्हाइल कैलकुलेटिंग योर पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, विदाउट ज्यूरिसडिक्शन मतलब डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है या वो अनेबल टू अटेंड मतलब मेरिट पे डिसाइड नहीं कर पा रही है, मिस जॉइंडर हो गया या आपका मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज है या मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है, वो सारे के सारे डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की कैटेगरी में फॉल करेंगे। ये आपका सेक्शन नंबर 14 कहता है। सेक्शन नंबर 14 बेसिकली आपका प्री में आता है, मेंस में नहीं आता। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 15 की। सेक्शन नंबर 15 बात करते हैं सर्टन अदर केसेस की। यहाँ पे नोटिस के बारे में बात की गई है, ठीक है, इंजंक्शंस के बारे में बात की गई है। सेक्शन 15 सर्टन केसेस की बात करता है, ये भी प्री में कई बार पूछा जाता है, मेंस में भी आ गया है, यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। देखिए कहते हैं एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, टाइम पीरियड कितना एक्सक्लूड कर दिया जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग योर पीरियड ऑफ लिमिटेशन। मैं पहले कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, दिस इज ए रिविजनल क्लास, इन डेप्थ नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे इन डेप्थ पढ़ना है तो आप मेरी प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये रिविजन करा रहा हूँ मैं उन बच्चों को जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ इन डिटेल, ठीक है, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करके थोड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए जब सेक्शन 15 की बात करते हैं, ये कह रहा है कोई भी सूट या कोई भी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करनी है और कोई स्टे आ गया है या कोई इंजंक्शन ऑर्डर आ गया है तो वो जो टाइम पीरियड रहेगा स्टे और इंजेक्शन जब तक रहेगी वो वाला टाइम पीरियड आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा, बाकी जो टाइम पीरियड बच गया उतने टाइम पीरियड में अपना सूट वगैरह फाइल कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है भाई आप कोई परमिशन लेनी है, कोई नोटिस देना है किसी को प्रोसिक्यूट करने से पहले, किसी के अगेंस्ट केस फाइल करने से पहले, जैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल करें तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, नोटिस देना पड़ता है, जो 2 मंथ्स का नोटिस आप सीपीसी में पढ़ते हो सेक्शन 80 के अंदर, वो वाला टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर देंगे जब हम आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करेंगे। आगे अब जब आप पढ़ेंगे सबसेक्शन 3 कहता है भाई रिसीवर अपॉइंट किया गया या लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया कंपनी के केस में तो वो जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी और उसके अंदर ऐड कर देना 3 मंथ्स, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेके 3 महीने एक्स्ट्रा ऐड करने वो सारा टाइम पीरियड आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 4 कहता है कि भाई जब भी आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करेंगे फॉर ए सूट ऑफ पोजीशन बाय ए परचेजर एट ए सेल तो वो वाला टाइम पीरियड आप एक्सक्लूड कर देंगे जो प्रोसीडिंग उस सेल को सेटिसाइड करवाने के लिए चलाई जा रही है, वो टाइम पीरियड आप एक्सक्लूड कर देंगे उस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए। और सबसेक्शन 5 कहता है कि किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट आप सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं बट वो व्यक्ति इंडिया से बाहर है तो उतना टाइम पीरियड आप उसका एक्सक्लूड कर देंगे जब तक वो इंडिया से बाहर रहता है व्हाइल कैलकुलेटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन। हेलो कीर्ति राठी बेटा, हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट चलेंगे सेक्शन नंबर 16। सेक्शन 16 बड़ा अच्छा है, इफेक्ट ऑफ डेथ की बात करता है ऑन और बिफोर एक्रुअल ऑफ राइट टू सू। अगर आपका जो एक राइट मिलने वाला था कॉज ऑफ एक्शन उससे पहले या उसी दिन आपकी डेथ हो जाती है तो क्या इफेक्ट होगा, ये आप देखिए ध्यान रखिएगा। सब सेक्शन नंबर 3 जो है सेक्शन 16 का, यहां से क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 16 जो है आपका सूट फॉर राइट टू प्रीम्प्शन पे अप्लाई नहीं होता और पोजीशन ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी एंड हेरिडिटरी ऑफिस पे अप्लाई नहीं होता है। ये सिंपल सी बात कह रहा है कि भाई जिस व्यक्ति के पास राइट ऑफ कॉज आना था उसी दिन उसकी डेथ होगी या आने से पहले डेथ होगी तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे जो कैपेबल होंगे, अगर लीगल डिसेबिलिटी में नहीं है तो वो उसके बिहाफ पे फाइल कर देंगे। ठीक है, तो सेक्शन 16 इफेक्ट बताता है प्लेंटिफ का भी डिफेंडेंट का भी। प्लेंटिफ मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, डिफेंडेंट मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। ये है आपका सेक्शन नंबर 16। 17 कहता है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक का क्या इफेक्ट होगा। कह रहा है भाई जहां पे भी फ्रॉड होगी, जहां पे भी मिस्टेक होगी, जितने भी टाइम, देखिए जब तक आप
फ्रॉड और मिस्टेक को आइडेंटिफाई ना कर ले, जब तक आपकी नॉलेज में फ्रॉड और मिस्टेक नहीं आ जाता तो टाइम पीरियड जो है वो आपका कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, टाइम पीरियड जो है आपका कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। एग्जैक्टली सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2021 आप इसके साथ में पढ़ेंगे, जब तक आपकी नॉलेज में नहीं आ जाता तब तक हम आपका टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं करेंगे, काउंट ही नहीं करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे दिए हुए, अगर किसी बोनाफाइड परचेजर ने उन चीजों को परचेज किया तो वहां पर ये चीज अप्लाई नहीं होगी। अगर बोनाफाइड परचेजर ने उसको नहीं पता था फ्रॉड हुआ नहीं हुआ, उसने कोई चीज परचेज कर ली, उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो। इसका जो प्रोवाइडेड है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको एप्लीकेशन एक साल के अंदर अंदर लगानी पड़ेगी, जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ उसके विद इन वन ईयर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। दिस इज योर सेक्शन नंबर 17। अब 18 जो है ये मेंस में पूछा जाता है, एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है मेंस में, शायद एक स्टूडेंट है हमारा उसके सेमेस्टर एग्जाम में भी एक्नॉलेजमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील किया। देखिए एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, एक्नॉलेजमेंट बेसिकली काइंड ऑफ एडमिशन, हमेशा एक्नॉलेजमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन से पहले आनी चाहिए, अगर आ जाती है तो वो एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपको दे देती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पैसे लिए हैं, ठीक है, 3 साल का टाइम पीरियड है, आपने वापस नहीं किए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 2 साल बाद आप आके कहते हो कि सर मैंने आपके पैसे लिए मैं बाद में दे दूंगा, अब यहां से एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन अप्लाई हो जाएगा। जितनी बार एक्नॉलेजमेंट आएगी राइटिंग में होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, लेकिन बिफोर द पीरियड प्रिस्क्राइब पीरियड एक्सपायर होने से पहले पहले आपकी एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए, और जितनी बार एक्नॉलेजमेंट आएगी हर बार वो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन देके जाएगी आपको। और सबसेक्शन 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप सेक्शन नंबर 91 एंड 92 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ में पढ़ते हैं, रेड विद सेक्शन नंबर 65 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्या कहता है, क्या आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, कोई एक एक्नॉलेजमेंट है जो कि अनडेटेड है, क्या ओरल एक्नॉलेजमेंट उसके ओरल एविडेंस दे सकते हो, कहता नहीं ओरल एविडेंस नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप उसकी डेट के ओरल एविडेंस दे सकते हो, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कह रहा है एक्नॉलेजमेंट क्या हो सकती है, कोई व्यक्ति ये कह रहा है मैं नहीं दूंगा मैंने तुमसे पैसे लिए, ये भी एक्नॉलेजमेंट हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीजें एक्नॉलेजमेंट की कैटेगरी में आ रही, कोई रिफ्यूज कर रहा है, कोई कह रहा है मैंने लिए हैं, ये है वो है, ये सारे एक्नॉलेजमेंट की कैटेगरी में आते हैं। सेक्शन नंबर 19 पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स में आता है सेक्शन 19, उससे ज्यादा कहीं नहीं आता। सेक्शन 19 कहता है इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेथ क्या होगा और इंटरेस्ट ऑन लीगेसी क्या होगा, कह रहा है भाई जब जब आप पे करेंगे बिफोर द एक्सपायरी, यहाँ पे भी बिफोर द एक्सपायरी इशू प्रिस्क्राइब पीरियड, जब जब आप पे करेंगे तब तक एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलता रहेगा हर पेमेंट के ऊपर, हर पेमेंट के ऊपर पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलता रहेगा। दिस इज योर सेक्शन नंबर 19, इससे ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। सेक्शन 20 इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन, ये कह रहा है भाई कोई और पर्सन आपके बिहाफ पे कर रहा है, यहाँ पे 3-4 लोगों की बात की गई है बेसिकली, जैसे पार्टनर होते हैं, एग्जीक्यूटर होते हैं, मॉर्गेजी होते हैं, तो कह रहा है वहां पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उनकी एक्नॉलेजमेंट मायने नहीं रखेगी, इमटीरियल रहने वाली उनकी एक्नॉलेजमेंट, उनकी एक्नॉलेजमेंट को ट्रीट नहीं किया जाएगा। सेक्शन 20 इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स में आएगा आप सेक्शन नंबर 21 जो प्री और मेंस में पूछा जाता है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग ए न्यू प्लेंटिफ, नया प्लेंटिफ अगर आप ऐड कर रहे हैं और नया डिफेंडेंट ऐड कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा, यहाँ पे 2-3 बातें लिखी गई हैं। देखिए अगर सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद न्यू प्लेंटिफ या न्यू डिफेंडेंट को सब्स्टिट्यूट या एड ऑन किया जा रहा है तो उसी दिन से मान लिया जाएगा, लेकिन एक्सेप्शन इसका ये है, एक्सेप्शन इसका ये है, प्रोवाइडेड बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका सेक्शन 21 का, जो काफी बार प्री में पूछा जाता है कि भाई गुड फेथ अगर आप बता देते हो कि मेरी गलती होगी मैं इसको ऐड नहीं कर पाया तो कोर्ट आपका सूट पहले वाले दिन से ही ट्रीट करके चलेगा जिस दिन आपने इंस्टीट्यूट किया था, जिस दिन आपने इंस्टीट्यूट किया था, ऑर्डर 1 रूल 10। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 22। सेक्शन 22 बात करते हैं कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच ऑफ ब्रीचेस की बात करता है और टॉर्ट्स की बात करता है, मतलब बार बार आप किसी चीज को कर रहे हो, कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर रहे हो और बार बार आप टॉर्ट कमिट कर रहे हो तो हर बार एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपको सेक्शन 22 देता जाएगा। एंड देन सेक्शन 23 आएगा, सेक्शन 23 कहता है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट्स नॉट एक्सनेबल विदाउट स्पेशल डैमेजेस, कि भाई कुछ ऐसे सूट्स जहां पे स्पेशल डैमेज नहीं हो रहा आपके खिलाफ तब तक आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, आपको स्पेशल इंजरी होनी जरूरी है तब ही आप सूट इंस्टीट्यूट कर पाएंगे, और तब से ही आपका जब एक स्पेशल इंजरी कॉज होगी तब से ही आपका टाइम पीरियड स्टार्ट माना जाएगा, तब से ही हम आपका टाइम पीरियड स्टार्ट करेंगे, विदाउट स्पेशल डैमेज नहीं माना जाएगा। सेक्शन 24 सिंपल सी बात कहता है कि जितना भी टाइम मेंशन किया गया किसी भी इंस्ट्रूमेंट में उस टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आईपीसी का कौन सा सेक्शन यहाँ पे आप कनेक्ट करके पढ़ते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। फिर लास्ट पार्ट हम डिस्कस करें जो बड़ा इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन का, यहाँ से प्री में भी मेंस में भी इंटरव्यू में भी सेक्शन 25 26 एंड 27 ये 3 सेक्शंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लिमिटेशन एक्ट बार्स द रेमेडीज बट नॉट द राइट,
ये सेक्शंस तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेंस में भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं और इंटरव्यू में भी कई बार पूछे जाते हैं। सर ये क्लास यूट्यूब पे बाद में भी देख सकते हैं? हाँ कितनी बार देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कितनी बार देख सकते हो, आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, इस क्लास को नंबर ऑफ टाइम आप देख सकते हो। देखिए सेक्शन 25 की बात करते हैं, सेक्शन 25 बात करता है एक्विजिशन ऑफ इजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन मतलब एक लंबे समय से आप किसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो, ओपनली इंजॉय कर रहे हो, पीसेबली इंजॉय कर रहे हो, विदाउट इंटरप्शन इंजॉय कर रहे हो। कितने साल तक के लिए इंजॉय कर रहे हो बाबू, कितने साल तक के लिए प्रॉपर्टी को इंजॉय कर रहे हो, तो आपको एक्विजिशन ऑफ इजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है। 20 साल तक के लिए अगर आप किसी प्रॉपर्टी को इंजॉय कर रहे हो तो आपके पास एक इजमेंटरी राइट आ जाता है, और वो इजमेंटरी राइट होता है इजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। एक लंबे समय से आप किसी चीज को याद कर रहे हो तो मतलब यूज कर रहे हो, तो इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्या सिर्फ 20 साल से अगर आप किसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो तो क्या आपका ऑटोमेटिकली इजमेंटरी राइट हो जाता है, या आपको कोई सूट कंटेस्ट करना पड़ता है? हाँ जी, कोई सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ता है या ऑटोमेटिकली आपको इजमेंटरी राइट मिल जाता है? आपको सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ता है 2 years के अंदर अंदर। यहां पर लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 में, ईच ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 20 ईयर शैल बी टेकन टू बी पीरियड एंडिंग विद इन 2 years नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। यू हैव टू क्लेम दैट पर्टिकुलर इजमेंटरी राइट बाय प्रिस्क्रिप्शन, यू हैव टू फाइल दिस सूट। आपको सूट फाइल करना पड़ेगा, बिना सूट इंस्टीट्यूट करके कोई राइट नहीं मिलेगा आपको। आपको डिक्लेरेटरी डिग्री लेनी पड़ेगी कि सर मेरा इजमेंटरी राइट है, और डिक्लेरेटरी डिग्री के लिए एसआरए के कौन से सेक्शन में आप लोग सूट फाइल करते हैं ये भी मुझे बता दीजिए। और गवर्नमेंट के खिलाफ जब भी आप इजमेंटरी राइट क्लेम करना चाहेंगे वहां पर 20 ईयर की जगह 30 ईयर कैलकुलेट किया जाएगा। और यहां पर बात की गई है कि भाई इंटरप्शन किस चीज को मानेंगे, एक्जैक्टली सेक्शन 34 ऑफ द एसआरए के अंदर आप डिक्लेरेटरी सूट फाइल करके इजमेंटरी राइट को डिक्लेयर करवा सकते हैं अपने फेवर में। एक्सप्लेनेशन जब आप इसकी पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन कहता है इंटरप्शन किस चीज को ट्रीट किया जाएगा, इंटरप्शन क्या मानते हो आप। कह रहे भाई इंटरप्शन क्या होगी, जहां पे एक्चुअल डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा पोजेशन का और एंजॉयमेंट का, और वो इंटरप्शन कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। 1 साल की इंटरप्शन है तब ही इंटरप्शन मानी जाएगी, अगर 1 साल की नहीं है, 6 महीने की, 8 महीने की, 10 महीने की, वो इंटरप्शन नहीं मानी जाएगी, उसको कॉन्टिन्यूटी में ही ट्रीट किया जाएगा। दिस इज योर सेक्शन नंबर 25। और इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 26। सेक्शन 26 बेसिकली जो एक रिवर्जनर है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये कहता है एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्जनर ऑफ सर्वियंट टेनमेंट, रिवर्जनर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 26 को एनेक्ट किया गया। ये एक सिंपल सी चीज कहता है कि भाई अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को किसी और व्यक्ति को, देखिए सेक्शन 26 समझाता हूं, आज बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं समझा देता हूं सेक्शन 26। फॉर एग्जांपल ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का मालिक है ए नामक व्यक्ति, इस प्रॉपर्टी को इसने बी को दे दिया, किस लिए, लाइफ इंटरेस्ट के लिए दिया। भाई जब तक तुम जीवित हो इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करो, लाइफ इंटरेस्ट के लिए ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दे दी। अब बी जब तक जीवित है इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा, ठीक है, कर सकता है, और जब मर जाएगा ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होके ए के पास आ जाएगी, उसको बोलते हैं रिवर्जन होना। ए का एक बेटा है जिसका नाम है सी, ठीक है। अब हुआ क्या, ए ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, बी ने कभी इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया, एक नामक व्यक्ति है डी नामक व्यक्ति, वो इस प्रॉपर्टी को यूज करने लग गया। डी नामक व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को यूज करने लग गया और डी को यूज करते करते हो गए 20 साल, डी इस प्रॉपर्टी को 20 साल से यूज करने लग गया, बी ने कभी गौर नहीं फरमाया, तो डी 20 साल के बाद जाता है सूट फाइल करता है डिक्लेयर करवाने के लिए कि मेरा इजमेंटरी राइट हो गया इस प्रॉपर्टी के ऊपर। अब देखिए यहां पे सेक्शन 26 कैसे रोल प्ले करता है। सेक्शन 26 कहता है, देखिए मैं लाइफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, सेक्शन 26 कहता है जब डी सूट इंस्टीट्यूट करेगा कोर्ट में जाके, तो कोर्ट ये बोलेगी भाई जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप इजमेंटरी राइट एक्सरसाइज कर रहे हो उस प्रॉपर्टी पे तो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट है। अब जब तक लाइफ इंटरेस्ट रहेगा, लाइफ इंटरेस्ट को माइनस कर दिया जाएगा आपके 20 इयर्स में, जो टाइम पीरियड बचेगा वो हम मानेंगे, समझ रहे हो। तो ये इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अगर ये मर जाए, फॉर एग्जांपल 10 साल तक लाइफ इंटरेस्ट था, मर गया, प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होती, प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक नहीं हुई, और ये कह रहा है कि मेरे 20 साल हो गए, तो 10 में 10 काट दो 20 में से, कहेंगे 10 ही साल हुए अभी तक आपका इजमेंटरी राइट नहीं हुआ, लाइफ इंटरेस्ट एक्सक्लूड हो जाएगा। और साथ ही साथ में अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर आपने 3 साल तक का इंटरेस्ट क्रिएट किया किसी के फेवर में, तो वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग 20 इयर्स टाइम पीरियड। और आगे कहा गया कि कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा, विद इन 3 इयर्स के अंदर आपको सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। दिस इज सेक्शन नंबर 26। अगर और अच्छे से और इन डिटेल में पढ़ना चाहते हो आप मेरी प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे लाइफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है। देखिए बेटा लाइफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल
मैं मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे फेवर में दे देता हूं कि भाई जब तक तुम जियोगे तब तक इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करो, दिस इज लाइफ इंटरेस्ट, यू कैन ओनली एंजॉय दिस प्रॉपर्टी, आप इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हो, अलाइनेट नहीं कर सकते हो, आप इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, यू आर नॉट दी ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी बट यू आर ए लिमिटेड ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी बिकॉज आई हैव क्रिएटेड लाइफ इंटरेस्ट इन यूर फेवर, कि भाई जब तक तू जीवित है इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर, मैं तेरे को दे रहा हूं ये प्रॉपर्टी, तेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरे पास ऑटोमेटिकली रिवर्ट बैक होके आ जाएगी, उसको बोलते हैं रिवर्जन, रिवर्जन का जो कंसेप्ट होता है, ठीक है भाई। लॉ एकेडमी सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो भाई इन डिटेल में समझा दूंगा, यहाँ पे तो एक बस ओवरव्यू देता हूँ कहानी की तरह, बाकी सब्सक्रिप्शन वाले बच्चे क्लास में वो बता देंगे कैसा पढ़ाता हूं मैं, है यादें ताजा होगी सर लिमिटेशन की क्या बात है। टाइम पीरियड कोई अभी लाइफ इंटरेस्ट में कोई टाइम पीरियड नहीं होता, लाइफ का पता है, लो एकेडमी आपका नाम है बेटा, आपकी लाइफ कितने साल की आपको पता है, कैन यू गेस आप कितने साल जी सकते हो, जहां लिख दिया गया लाइफ इंटरेस्ट मतलब बेटा लाइफ इंटरेस्ट, जब तक आप जीवित हो, आप कब तक जीवित हो मुझे नहीं पता, मुझे मेरा नहीं पता, क्या पता मैं शाम को लुढ़क जाऊं, क्या पता मैं सुबह लुढ़क जाऊं, दिस इज लाइफ विच इज वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, हमें नहीं पता, तो लाइफ इंटरेस्ट में कोई टाइम पीरियड नहीं होता बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम सेक्शन नंबर 27, सेक्शन 27 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंस में आता है, जो ये कहता है भाई जब एक जनरल डॉक्ट्रिन आप पढ़ते हो, जब आप एक जनरल डॉक्ट्रिन पढ़ते हो कि लिमिटेशन एक्ट्स बार योर रेमेडी बट नॉट द राइट, सेक्शन 27 कहता है ना 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 मैं एक्सेप्शन हूं, मैं तुम्हारा राइट भी खा जाऊंगा, रेमेडी तो सेक्शन 3 खाई गया है, राइट मैं खा जाऊंगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। वो कहते हैं ना क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, सेक्शन 27 तुम्हें खाली हाथ भेज देगा अगर तुम अपने राइट्स के ऊपर सोते रहे तो। ये क्या कहता है, दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ एडवर्स पोजेशन, एडवर्स पोजेशन, अगर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई बैठा हुआ है और आप गौर नहीं फरमा रहे तो भाई वो एक टाइम के बाद मालिक बन जाएगा उस प्रॉपर्टी का, फिर आप बैठे रह जाओ, फिर तो आप सूट भी फाइल नहीं कर पाओगे, राइट भी गया रेमेडी भी गई, सेक्शन 27 खा गया दोनों की दोनों चीजें, इसको बोलते हैं एक्सटिंक्टिव प्रिस्क्रिप्शन। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि एक्सटिंक्टिव प्रिस्क्रिप्शन का कंसेप्ट कहां दिया हुआ है तो वो दिया हुआ है सेक्शन नंबर 27 में, एक्सटिंक्टिव प्रिस्क्रिप्शन इसको हम बोलते हैं, समझे अरे प्यारे बच्चों। और इसको साथ साथ में एडवर्स पोजीशन भी बोला जाता है, जो आपकी प्रॉपर्टी पे एडवर्सली कब्जा करके बैठा हुआ है, तो यहां पे ऑनरशिप भी जाएगी, रेमेडी भी जाएगी, राइट भी जाएगा। वो कहते ना ना घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रहेगा, इसलिए कभी भी अपनी प्रॉपर्टी के राइट्स के ऊपर कभी सोना नहीं चाहिए, हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा करके बैठ गया है तो वो कब्जा मालिकाना हक में कब तब्दील हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। यस, एक्विजिटिव प्रिस्क्रिप्शन 25 में है, एक्सटिंक्टिव प्रिस्क्रिप्शन सेक्शन नंबर 27 में है। इसके बाद सेक्शन नंबर 29 पढ़ेंगे, क्योंकि 28 तो रिपील हो गया, वो तो हम पढ़ नहीं सकते, तो सेक्शन 29 बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी बार प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री के लिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ये सीधी सी बात कहता है सेक्शन 29, कह रहा भाई जो ये एक्ट है ना लिमिटेशन एक्ट के जो प्रोविजन है वो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेल कर जाएगा, ठीक है, सब पे अप्लाई होता है बेटा, एडवर्स पोजीशन का कंसेप्ट है, नहीं वो तो वहां पे आपका राइट हो जाएगा ना, वहां तो मनीष शर्मा वहां तो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, अगर आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है तो वहां पे राइट हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव प्रिस्क्रिप्शन नहीं है बेटा, एक्सटिंक्टिव प्रिस्क्रिप्शन है, एक्सटिंक्टिव, EXTINCTIV बेटा, वही बात है ना, पल्लवी शर्मा प्लस क्लास में आओगे तो समझा पाएंगे, अब यहां सारी चीजें नहीं समझा पाते ना, टाइम कम होता है यहाँ पे। सबसेक्शन 2 कहता है सेक्शन 29 का कि भाई स्पेशल और लोकल लॉज को ये इफेक्ट नहीं करेगा, और जो प्रोविजंस है अगर स्पेशल और लोकल लॉज ने एक्सप्रेसली मना नहीं किया तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो जाएगा। एंड सबसेक्शन 3 कहता है कि भाई जितने भी प्रोविजन है शादी से, ब्याह शादी से या मतलब तलाक तलूक से जो भी प्रोविजन है उनके ऊपर सेक्शन जो लिमिटेशन एक्ट है अप्लाई नहीं होगा। साफ साफ कह दिया गया, ये प्री में क्वेश्चन आता है क्या मैरिज और डिवोर्स के ऊपर अप्लाई होता है लिमिटेशन एक्ट, तो कह दो नहीं होता लिमिटेशन एक्ट वहां पे अप्लाई। देखो भाई जो बच्चा प्लस क्लास यूज कर ज्वाइन करना चाहे, कोड आपको सिर्फ यूज करना है, लीगल पाठशाला अनअकैडमी से कोई फोन करे चाहे आपके पास कहीं से फोन आए, कोई ये बोले अनअकैडमी का कोड यूज करो तो अनअकैडमी का कोड यूज नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ कोड यूज करना है लीगल पाठशाला 10,
दिस इज यूर कोड। अगर आप मेरी प्लस क्लास में आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। नोट्स भी मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेगा, रिविजन भी मिलेगा, प्री भी मिलेगा, मेन्स भी मिलेगा, इंटरव्यू भी मिलेगा और जज की कुर्सी भी मिलेगी। ठीक है, चलिए भाई। और लास्ट में सबसेक्शन 4 कहता है, सेक्शन 25 एंड 26 के अंदर जो इजमेंट की डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2 वाली, शैल नॉट अप्लाई, जहां पे आपका इजमेंट अप्लाई होता है, इंडियन इजमेंट एक्ट जहां अप्लाई होता है वहां सेक्शन 25 और 26 ऑफ दिस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और सेक्शन 30 एंड 31 पुराने एक्ट की बात करते हैं कि भाई जो पहले वाला एक्ट था उसका क्या इफेक्ट होगा, और सेक्शन 31 पेंडिंग सूट्स की बात करता है कि भाई 1908 का एक्ट था उसके बाद ये एक्ट आ गया तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो यहां पे हो गया हमारा लिमिटेशन एक्ट कंप्लीट। और इसके बाद अगर आप देखें लिमिटेशन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन याद करना है तो उसके लिए मैं अलग से क्लास ले आऊंगा। अगर आप लोग कहोगे कमेंट में कि भाई पीरियड ऑफ लिमिटेशन याद करवा दो सर, तो वो भी याद करवा देंगे। सर राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव करें? अबे गोदारा भाई, मेंस प्लस की क्लास में आ जाओ, राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगी, सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा। वहां पे मैं बहुत अच्छी चीजें आप लोगों को बताता हूँ, आप उसके लिए जानने के लिए। Unacademy. Let's crack it.